नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। चौतरवा में युवा लोजपा कार्यकर्ताओं समेत सामाजिक संगठन के लोगों ने किया पत्रकार मनीष सिंह की याद में शोक सभा का आयोजन। बगहा पुलिस जिले के चौतरवा शरणार्थी कॉलोनी के समीप कोटमाई मंदिर परिसर में युवा लोजपा के नेता तथा सामाजिक संगठन के लोगों ने 5 मिनट का मौन धारण कर शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा की अध्यक्षता कर रहे बगहा युवा लोजपा के जिला अध्यक्ष सह मानवाधिकार पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष रिपु सुदन द्विवेदी ने कहा कि बिहार के पूर्वी चंपारण में 3 दिनों से अपहृत युवा पत्रकार मनीष सिंह की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें 4 दिनों बाद पत्रकार का शव गड्ढे में तैरता हुआ पुलिस ने बरामद किया था। युवा लोजपा के नेता रिपु सुदन द्विवेदी ने पुलिस प्रशासन पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पत्रकार मनीष हत्याकांड के दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, किंतु अब तक उनके हत्यारे खुलेआम क्यों घूम रहे हैं। शोक सभा के बाद उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पत्रकार मनीष सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिजनों में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी दे। वही मौके पर शोक सभा के दौरान दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सरकार से हमारा यह मांग है कि मनीष हत्याकांड में पत्रकार की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है और 4 दिन के बाद पुनः लाश मिला है और अभी तक दोषी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, यह सरकार के लिए बहुत निंदनीय है। और लगातार बिहार में, विशेषकर बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, यह घोर निंदनीय है। और इसको हम लोग लेकर के आज से नहीं, लगभग 5 साल पूर्व से हम लोग आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं किया, जिससे लेकर के आए दिन हत्या, लूट, अपहरण दिन प्रतिदिन जो है बिहार में, विशेषकर बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि मनीष हत्याकांड के दोषियों को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे और 50 लाख रुपया उनके आश्रितों को मिले और उनके आश्रित मनीष सिंह की आश्रित को एक सरकारी नौकरी मिले, जिससे आर्थिक उनकी स्थिति का सुधार हो और कड़ा सुरक्षा व्यवस्था उनको प्राप्त हो, जिससे उनके घर एकदम दहशत में पड़ा हुआ है कि भाई अपराधी आकर के उन लोगों को भी गोली मार सकते हैं, जिस तरह से मनीष जी को एक सुनियोजित ढंग से 4 दिन बाद जो है लाश मिलता है और हत्या किया जाता है, यह बहुत सरकार के लिए निंदनीय है। तो हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया की उनके आश्रित को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्य को जो भी पढ़े लिखे हैं उनको एक नौकरी दिया जाए सरकारी और उनके घर का कड़ी सुरक्षा दिया जाए। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं और हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं, चूंकि लगातार हम लोग सरकार के कानों में है, आवाज हम लोग उठाते आए हैं और एक एक अल्टीमेटम के साथ हम लोग इस चीज को कहते हैं कि अगर मनीष हत्याकांड के दोषियों को अगर गिरफ्तार 15 दिन के अंदर नहीं किया गया और गिरफ्तार के बाद स्पीड ट्रायल करके उनके फांसी दोषियों को नहीं दिया गया, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव तक हम लोग करेंगे। मेरा नाम रिपु सुदन द्विवेदी हुआ और मैं युवा लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। तत्पश्चात ह्यूमन राइट मानवाधिकार पश्चिमी चंपारण का भी मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ। कोटमाई परिसर स्थान में हम लोग को शोक सभा का आयोजन किए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरे राज के वरिष्ठ पत्रकार मनीष पूर्वी चंपारण के, जिनका निशंस हत्या हुआ है, उसके लिए हम लोग शोक सभा यहाँ आयोजन किए हैं चौतरवा कोटमाई परिसर में, जिसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने शोक सभा में शामिल हुआ। सभी लोगों ने एक स्वर से मांग किया कि ये बिहार सरकार हर मुद्दे पर फैल रही है, जहाँ का पत्रकार जहाँ सुरक्षित नहीं है, जहाँ के लोग पत्रकार को जब असुरक्षित देख रहे हैं तो आम जन की क्या बात होगी। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उन हत्यारों को आज तक सरकार उद्भेदन नहीं कर पाई, उन लोगों को पकड़ नहीं पाई और इतना तक ये नहीं पता चला कि कौन उसका हत्या किया है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जहां ये पता नहीं चले कि कौन हत्या किया है, पुलिस इसका भी उद्भेदन नहीं कर सकी, तो हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। हम लोग सभी ये चंपारण के धरती से हम लोग मांग करते हैं
कि पत्रकारों को सुरक्षा बढ़ाया जाए, नहीं तो जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं अपराधियों के द्वारा मार दिए जाएंगे और आने वाले समय में हमारे पत्रकार दर दर भटकते रहेंगे और कोई जो है सही बात अपनी पटल पर नहीं रखेगा, जिससे सरकार को, देश को, पूरे लोगों की क्षति होगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हमारे यहाँ चंपारण में भी जो पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी सरकार सुरक्षा मुहैया करावे कि हमारे पत्रकार निडर होकर के अपनी बातों को रख सके और लोगों के बीच जा करके अपनी बातों को मुस्तैदी से रख सके। हम लोग ये मांग करते हैं। अगर सरकार हम लोगों के मांगों पर नहीं ध्यान देती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और चरणबद्ध आंदोलन चलाने पर इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी और बिहार सरकार जो है ये भुगतने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग खड़े हैं। बिहार सरकार की विफलता को सरकार छिपा रही है। जब पत्रकारों के साथ ये हो रहा है तो आम जन का क्या होगा, यही हम लोग मांग करते हैं। मैं मजिस्टर यादव बगहा 4 विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी था। महात्मा गांधी की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।